हुआ तारा, आसमान का वो चमकता हुआ तारा। आदाब, हाकिम आला से मिलना है। आप इंतजार करिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। सर, नूर मोहम्मद बेग साहब आए और आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। वो तो ठीक है, अंदर ले आओ। यस सर। आपको अंदर बुलाया। आप तशरीफ रखिए। आधा वर्जन हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। वेल मिस्टर बेग, आप तो बीमार थे। जी हुजूर, कभी कभी सीने में शदीद दर्द होता है, उसी की वजह से ताखीर हुई। गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूँ। ओके, हम खुद आपके घर तो आने वाले थे। एनीवे बताइए, आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? हुजूर, मेरी एक मासूम बच्ची है, कोई अंग्रेज अफसर उसे परेशान करता है। अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो वो अपनी इन हरकतों से बाज रहेगा और हमारे ख़ानदान को सुकून मयसर होगा। क्या आप उस ऑफिसर को जानते हैं? जी नहीं हुजूर, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, मगर हुजूर मेरी बच्ची उससे बहुत खौफज़दा है। मिस्टर बेग, अपनी बेटी से कह दीजिए कि वो डरे ना, आपकी बेटी का हम हिफाजत करेंगे। शुक्रिया हुजूर, आपसे इसी आला जर्फी की उम्मीद थी। मिस्टर बेग, वो अंग्रेज ऑफिसर आपकी बेटी से मोहब्बत करते हैं, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं हुजूर? वो अंग्रेज, हम हिंदुस्तानी। इसमें कोई हर्ज नहीं, शादी एक मर्द और औरत के बीच में, अंग्रेज और हिंदुस्तानी के बीच में नहीं। और ये अंग्रेज ऑफिसर कोई और नहीं है, हम खुद हैं। ये नहीं हो सकता हुजूर, ये मुमकिन नहीं है। वेल, हम आपको सोचने की मौका देते हैं। इजाजत चाहूंगा हुजूर। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन एक याद रखना, वी आर वॉचिंग यू। तुम पे अंग्रेज सरकार केस लगा सकते हैं, यू नो, आप जेल भी जा सकते हैं। सिपाही, 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 उनको लेके जाओ, गार्ड छोड़ के आओ। बेगम, बेगम, कोई है? कोई है?
कौन? क्या हुआ? क्या हुआ? ये हाकिम साहब से मिलने गए हुए थे, वहाँ इनकी तबीयत खराब हो गई, तो हाकिम साहब ने कहा कि इन्हें घर तक छोड़ आओ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया? मापारिया, मापारा, बेटी, अबू, अबू की तबीयत को क्या हुआ? बेटी, जरा पानी लेकर आओ और वो सिरहाना भी ले आना। जी। क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हाकिम से आज क्यों मिलने चले गए? आप कैसे लग रहे हैं? अम्मी जान, मैं हकीम साहब को बुला कर लाती हूँ। हाँ बेटा, तुम हकीम साहब को लाओ, मैं तुम्हारे अबू के पास बैठती हूँ। देखिए, बिगड़ गई ना आपकी तबीयत। मुझे बहुत नींद आ रही है। इस बारे में हम बाद में तफसील से बात करेंगे, अभी हम बहुत थक गए हैं और हमें नींद आ रही है और हम सोना चाहते हैं। आप आराम कीजिए, आप सो जाइए, हम बाद में बात करेंगे, सो जाइए। बेग साहब, आपकी नब्ज देखकर लग रहा है कि आपकी ये हालत किसी पुरानी मर्ज की वजह से नहीं बल्कि नई मुसीबत ने दावत दी है। जी नहीं हकीम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं हैं, लगता है आपको अचानक सदमा लगा है। नहीं नहीं हकीम साहब, आज थोड़ी भाग दौड़ ज्यादा हो गई थी, बस उसी की थकान है। ये दोनों तो ऐसे ही खामखा परेशान हो रही है। खैर, आप ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं, आपकी नब्ज सब बता रही है। मैंने दवाएं दे दी हैं। बेग साहब, अब आप आराम करें, मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया, आपने बड़ी सहमत की। बेटी वहाँ पर आ, हकीम साहब को ज़रा बाहर तक छोड़ आओ। आपने कैसे जहमत फरमाई? क्या आपको नूर मोहम्मद साहब से मिलना है? जी नहीं, हम उनके हाल जानने आए हैं। वो अभी कैसे हैं? दिन में कैंप में आए, तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है, मैंने दवा दे दी है, अब वो आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। माँ पारा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, आई लव यू, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल। Thank you.
पापारा 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 ताहिर मापारा मापारा ताहिर मापारा ताहिर ताहिर मापारा ताहिर मापारा क्या हुआ बेटा? घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। लो पानी पियो, पानी पियो। तुमने कोई ख्वाब देखा हो? पानी पियो बेटा, घबराओ मत। इसने जरूर कोई ख्वाब देखा हो। सुनाओ, तुम सोने की कोशिश करो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ बेटा। सो जाओ मेरी बच्ची। सो जाओ मेरी बच्ची, सो जाओ। कैसी है? सो रही है। बेग साहब, बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जनाब मैं पहले आपके घर आया था, पता चला कि आप नमाज पढ़ने गए हैं, मैं मस्जिद भी गया, फिर पता चला आप वहाँ से निकल चुके हैं, तो मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। क्यों, खैरियत तो है? जी जनाब, कुछ रोज़ पहले आप हमारे कैंप में तशरीफ़ लाए थे, वहाँ आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आपकी तबीयत कैसी है? जी शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। तो हकीम आला रॉबर्ट विलियम साहब ने आपको याद फरमाया है, वो आज फिर से कैंप के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप वहाँ तशरीफ़ लाइए, वरना वो आपसे खुद ही मिलने आ जाएंगे। अच्छा चलो, तो फिर कैंप ही चलते हैं। जी जनाब। सर, नूर मोहम्मद बेग साहब आए हैं। ठीक है, उनको अंदर ले आओ। जी हुजूर। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। आइए मिस्टर बेग, तशरीफ लाइए। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। वेल मिस्टर बिग, आप जानते हैं क्यों हमने आपको बुलाया है? फरमाइए। हमने आपको डिसाइड और सोचने के लिए कुछ दिनों का टाइम दिया था। मेरा फैसला आज भी वही है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हम आपका जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर तो ये रिश्ता मंजूर करेंगे तो मलेरपुरा का कस्बा आपको जागीर में दे देंगे,
लेकिन अगर नहीं करेंगे आपका पनिशमेंट और बढ़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। हुजूर, गुस्ताखी की मुआफ़ी चाहूँगा। हम हिंदुस्तानी मुग़ल हैं, हम अपनी बेटियों का सौदा नहीं करते और न ही जुल्म से तंग आकर उनसे किनारा कश हो जाते हैं। मिस्टर बेग, हम जानते हैं कि आप एक अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आपकी बेटी को मुझसे बेहतर और ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हस्बैंड नहीं मिल सकते। मैं इसीलिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए, मुझ में क्या कमी है? मैं अपनी वो कमी दूर करने को तैयार हूँ, बताइए। मिस्टर रॉबर्ट, महापारा से आपकी शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप वो चीज़ें खाते और पीते हैं जो हमारे मजहब में हराम है। वेल, हम प्रोमिस करते हैं कि आज से शराब पीना और हराम गोश खाना हम सब कुछ छोड़ देंगे। बताइए, हम क्या और छोड़ दें? बड़ा अजीब आदमी है, मैंने तो इसे यूं ही कह दिया था। लेकिन ये तो यस, मिस्टर बेग, बताइए मैं और क्या कर सकता हूँ? देखिए मिस्टर रॉबर्ट, मैं एक सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी हूँ और मुझे अंग्रेजों से, फिरंगियों से सख्त नफरत है। आपका निज़ाम हम हिंदुस्तानियों पर बिला वजह जुल्म व ज़ातियाँ करता है जो मुझे सख्त नापसंद है, और आप उसी हुकूमत के आला ओहदे पर फाइज हैं। आपकी शादी महापारा से हरगिज हरगिज नहीं हो सकती। वेल मिस्टर बेग, यू विल हैव टू डिसाइड फास्ट। आवर नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन योर हाउस ओनली, अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। आ गए आप, इतनी देर कहाँ लगा दी? जरा सांस लेने दीजिए और हाँ, पानी पिलाइए। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? जब से वो सिपाही आपको लेके गया है मेरी तो जान ही अटकी हुई है। सब कुछ खैरियत से तो है ना? नहीं बेगम, कुछ भी खैरियत नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अरे अब्बू, आ गए आप? जोहर की नमाज के बाद कहाँ चले गए थे? आपको तो पता है ना, किसी सिपाही विपाही के साथ देखकर अम्मी कितनी परेशान हो जाती है। कहीं नहीं बेटी, बस जरा कैंप तक गए थे, हमें वहाँ कुछ काम था बस। बेटी तुम तैयार हो जाओ। क्यों अम्मी, भूल गई क्या? वो नूरजहाँ के माजे की रस्म है ना, वहाँ दावतनामे पे जाना है। अम्मी हमें अच्छे से याद है, लेकिन वो तो शाम को है और अभी तो बहुत वक्त बाकी है। तुम्हारी बचपन की दोस्त है वो, क्या ये वक्त पर पहुँचोगी वहाँ? ठीक है अम्मी, लेकिन अम्मी उन्होंने तो दावत में आपको भी बुलाया था। तुम्हारे अब्बू अभी बाहर से आए हैं, मैं उन्हें थोड़ा नाश्ता पानी दे दूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी। ठीक है अम्मी। ऐसे अम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे भी पड़ोस में ही तो जाना है। तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी दिखती हो बेटा, जाओ। ठीक है अब्बू। अच्छा अम्मी जान, खुदा हाफिज। जी अब बताइए क्या हुआ? सब तफसील से बताऊंगा, लेकिन महापारा को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। हमने आपको डिसाइड और सोचने के लिए कुछ दिनों का टाइम दिया था। मेरा फैसला आज भी वही, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन आपकी बेटी को मुझसे बेहतर और ज्यादा मोहब्बत करने वाले हस्बैंड नहीं मिल सकते।
हम आपका जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर तो ये रिश्ता मंजूर करेंगे तो मरेरपुरा का कस्बा आपको जागीर में दे देंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे आपका पनिशमेंट और बढ़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। बेगम, हमें महापारा की शादी जल्दी ही किसी माकूल नौजवान से कर देनी होगी और ये सब हमें बहुत जल्दी करना होगा। अरे तौबा, क्या कह रहे हैं आप? मैं जानता हूं बेगम, और मुझे सब पता है, सुजात से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन वो मेरा बचपन का दोस्त है और अपने बच्चों की वजह से हमारे रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। क्या आप जानते नहीं, महापारा बचपन से ही ताहिर से मंसूब हैं। न सिर्फ मंसूब हैं, उन दोनों बच्चों में रूहानी प्यार है, वो दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए बने हैं जी। बेगम, हमारी महापारा की खूबसूरती ही उसके लिए दुश्मन बन गई। उसके लिए इतने बड़े नवाबों जमींदारों के रिश्ते आए, हमने सब ठुकरा दिए, इसीलिए वो हमारे दुश्मन बन गए हैं और इस मामले में अब हमारा कोई साथ नहीं देगा। और पता नहीं वो सुजात हुसैन कहां मुंह छुपाए बैठा है। अब तो बस अल्लाह का भरोसा है।